आदाब नाजरीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। गर्ल जूनियर कॉलेज मालापल्ली का तालीमी साल 2017-18 से आगाज अमल में लाया जाए और पार्लिमानी हलके के तालीमी मसाइल की यकसुई की जाए। एमपी कविता की वजीर तालीम से पुरजोर नुमाइंदगी। रियासती हुकूमत की जानिब से मजीद नए अकामती स्कूलों का अकलियतों के लिए क्याम। दाखिलों के लिए महकुमा अकलियती बहबूद की टीआरएस मुस्लिम कायदीन के साथ मुहिम। दाखिले करवाने वालदैन को तारिक अंसारी का मशवरा। तेलंगाना जेएसी में फूट के आसार नुमाया। कोदंडा राम पर मनमानी करने का इल्जाम। कोदंडा राम के तलब करदा इजलास का कई कायदीन ने बायकॉट किया और अपनी बरहमी जाहिर की। गुजरात असेंबली में बीजेपी और कांग्रेस के अराकीन के दरमियान हाथापाई। जमहूरी तारीख का बदतरीन वाकया। दो अराकीन असेंबली जख्मी जबकि दो अराकीन असेंबली को गिरफ्तार किया गया। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादात हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी व फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान नहायती रहम वाले हैं। वाकई जिंदगानी दुनिया तो सिर्फ खेल कूद है और अगर तुम ईमान ले आओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अजर देगा और वो तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता। अगर वो तुमसे तुम्हारा माल मांगे और जोर देकर मांगे तो तुम इससे बखीली करने लगोगे और वो तुम्हारे कीने जाहिर कर देगा। खबरदार, तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो तो तुम में से बस बखीली करने लगते हैं और जो बख़ल करते हैं वो दरअसल अपनी जान से बखीली करता है। अल्लाह ताला गनी है और तुम फकीर और मोहताज हो और अगर तुम रोगर्दा हो जाओ तो वो तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और लोगों को लाएगा जो फिर तुम जैसे न होंगे। सूरह मोहम्मद आयत 36-38। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुलजलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान नहायती रहम वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर की सख्त ताकीद फरमाई। हजरत खारिजा बिन खुजाफा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक ऐसी नमाज के जरिए तुम्हारी मदद फरमाई है जो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी नमाज है? तो फरमाया, वितर की नमाज। इसका वक्त ऐशा की नमाज से तुलुए फज्र तक होता है। हदीस मुबारक अबू दाऊद तिरमिजी इब्ने माजा अहमद। अब खबरें तफसील से। गर्ल जूनियर कॉलेज का आगाज तालीमी साल 2017-18 से ही किया जाए। रुकने पार्लिमान के कविता का वजीर तालीम से मुतालबा। कहा कि मुस्लिम तालिबात को दुश्वारियां पेश आ रही हैं और साथ ही दिगर तालीमी मसाइल पर भी उन्होंने पुरजोर नुमाइंदगी की। रुकने पार्लिमान के कविता के हमरा हल्का पार्लिमान निज़ामाबाद के अराकीन असम्बली और अराकीन कानून साज कौंसिल ने रियासती नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कड़ियम श्रीहरी से इनके चंबर में मुलाकात की और इनसे तालीमी मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू की। इस मौके पर रुकने पार्लिमान ने इनके हल्का इंतखाब में वाक़ स्कूलों की हालत ज़ार से वज़ीर तालीम को वाकिफ़ करवाया और स्कॉलरशिप्स व फीस रिएम्बर्समेंट की सिमटी तवज्जो मरकूज करवाई। रुकने पार्लिमान ने बिलखसूस मालापल्ली में वाक़ गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत में गर्ल्स जूनियर कॉलेज की साल 2017-18 में इजाज़त देने का वजीर तालीम से मुतालबा किया। के कविता ने बताया कि इस स्कूल के आगाज से मुस्लिम तालिबात जो कि दूर दराज इलाकों में जाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने किसी भी सूरत में इस गर्ल जूनियर कॉलेज का आगाज करवाने का वजीर तालीम से मुतालबा किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम ने तय खुन दिया कि वो इस मामले में संजीदा इकदाम करेंगे। इस मौके पर रुकने पार्लिमान के कविता के हमरा अराकीन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन बिगाला गणेश गुप्ता मोहम्मद शकील आमिर जीवन रेड्डी प्रशांत रेड्डी विद्यासागर राव और हल्का असम्बली जगत्याल के इंचार्ज डॉक्टर संजय के अलावा एमएलसी पल्ले राजेश्वर रेड्डी और मिशन भगीरथा वाइस चेयरमैन वेमला प्रसाद रेड्डी के अलावा दिगर मौजूद थे। अखिलती अखामती स्कूलों में दाखिले के लिए शऊर बेदारी मुहिम। एक मोबाइल के जरिए अखिलती बहबूद अहदेदार और टीआरएस कायदीन औलिया तलबा को तरगीब देने में मसरूफ़ हैं। तारिक अंसारी ने बिलखसूस मुस्लिम औलिया तलबा से इन स्कूलों से इस्तेफादा करने की अपील की है।
شہر میں محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے اقلیتی اقامتی اسکولوں میں طلبہ کے داخلے کے لیے پرزور مہم چلائی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ تعلیمی سال 2016-17 میں ریاستی حکومت نے 7 اقلیتی اقامتی اسکولز کا قیام عمل میں لایا تھا اور نئے تعلیمی سال 2017-18 میں مزید 6 نئے اقامتی اسکولوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور ان اسکولوں میں خانگی کارپوریٹ اسکولوں کی طرح سہولتیں فراہم کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اب ان اسکولوں میں 5th-6th-7th میں داخلے لیے جا رہے ہیں اور عالیہ طلبہ میں شعور بیدار کرنے کے لیے پرزور مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک موبائل گاڑی تیار کی گئی ہے جس میں تعلیمی شعور اور اقامتی اسکول کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پوسٹر چسپاں ہیں۔ اس تحریک کا مسلم ٹیرس قائدین بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ طارق انصاری بھی اس سلسلے میں اپنے رفقا کے ساتھ سرگرم ہو چکے ہیں۔ طارق انصاری نے بالخصوص مسلم احباب سے خواہش کی کہ وہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخلہ ضرور کروائیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ عبد الفہیم قریشی بھی موجود تھے۔ اسکولوں میں سینکشن عمل میں آیا، نظام آباد کے لیے 4 لڑکیوں کے لیے اور 2 لڑکوں کے لیے اسکول سینکشن عمل میں آیا، اور جو ہے جناب کے سی آر صاحب کا یہ بہترین اقدام ہے اقلیتوں کی ترقی کے لیے، اقلیت کی تعلیمی پسماندگی کی عبور کرنے کے لیے۔ تو یہی غرض ہے جو شعور بیداری مہم کرتے ہوئے جو ہے آج جمعہ کا دن ہے، تمام ایسے کئی مسجدوں کے پاس جو ہے آج شعور بیداری کرے اور کئی ایسے پیرنٹس کا جو ہے انکریجمنٹ، اتنا زیادہ انکریجمنٹ ملا، کوآپریشن ملا کہ جو ہے کئی ایسے فارمس ہمارے جو ہے 100 آف فارمس جو ہے ایڈمیشنس ایڈمیشن کے لیے فارمس لوگ جو ہے لے لیے، تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور جو ہے جیسا حکومت تلنگانہ کے سی آر صاحب آگے آ رہے ہیں مائنارٹی کو اپلیکیشن کرنے کے لیے، اور مسلم پیرنٹس بھی جو ہے بڑی شور جوش کے ساتھ آ کے جو اس اقامتی ریسیڈنشل اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے دے آر ویری انٹرسٹیڈ۔ تو جو ہے میں تمام پھر ایک بار پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہے آپ لوگ اتنا اچھا سنہری موقع ہے، جانے مت دیجیے، گولڈن اپارچونیٹی ہے ہمارے بچوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے۔ جے تلنگانہ۔ شیوراتری ہندو بھائیوں کا اہم تہوار، دن بھر اپاس اور پھر پوجا کا اہتمام کیا گیا۔ پوجا کے سامان اور پھلوں کی خریدی کے لیے بازاروں میں زبردست چہل پہل دیکھی گئی۔ رات بھر پوجا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہندو بھائیوں کا اہم تہوار شیوراتری ہے۔ اس دن ہندو بھائی ایک دن اپاس رکھتے ہیں اور مندروں کو پہنچ کر پوجا کرتے ہیں اور تمام رات کو جاگ کر گزارتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس تہوار کو لے کر انتہائی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ ایک دن قبل سے ہی پوجا کے لیے پھلوں اور پوجا میں کام آنے والے سامانوں کی خریدی کے لیے مارکیٹ میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ احمدی بازار میں واقع شمبھو گڑی، جو کہ شہر کی قدیم ترین مندر مانی جاتی ہے، اس مندر میں خصوصی پوجا کا اہتمام ہوتا ہے اور یہاں طویل قطاریں لگ جاتی ہیں، اور اس پوجا میں خواتین کی اکثریت حصہ لیتی ہے۔ اس تہوار کو لے کر انتہائی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ شہر کی اہم شخصیتوں نے بھی آج پوجا میں حصہ لیا، جس میں MLC آکولا للیتا بھی شامل تھیں۔ చాలా భక్తులు ఈరోజు ఉపవాస దీక్షలు చేస్తారు. ఉపవాస దీక్షలు మరియు జాగరణ చేసి మన శివాలయము పొద్దున్నుంచి నైట్ తెల్లవారుజాము వరకు కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది. అందరూ ఈ శివాలయం దర్శించుకొని వారి అందరూ బాగుండాలనేసి నేను కోరుతున్నాను. దారుణం హై స్కూల్ బోధన్ కి నయ కమిటీ తష్కీల్ పాయి హై జిస్నే ఆజ్ జాయిజా హాసిల్ కర్ లియా۔ نئی کمیٹی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس اسکول کی ترقی کے لیے ممکنہ اقدامات روبہ عمل لائے جائیں گے اور مستقبل میں انگلش میڈیم اسکول کے قیام کی بھی کوشش کی جائے گی۔ بودھن رنجل ویز میں واقع قدیم تعلیمی ادارہ دارالعلوم ہائی اسکول کی نئی کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی اور اس کمیٹی نے آج جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر اس اسکول میں قرآن خوانی کا نظم کیا گیا اور تام کا انتظام رکھا گیا۔ اس اسکول میں طلبہ کی تعداد 600 سے زائد بتائی گئی ہے۔ نئے منتخب صدر میر الیاس علی، محتمہ صلاح الدین، نائب صدر سنجر پٹیل اور فصیح الدین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس اسکول کو معیاری و بامقصد اسکول بنانے کی مساعی کی جائے گی۔ سنجر پٹیل نے بتایا کہ اس اسکول کو آمدنی کے کوئی وسائل موجود نہیں ہیں، لیکن طلبہ کی تعداد زیادہ ہے جو کہ تعلیم کے حصول کے لیے دور دراز سے آتی ہے، لہذا اسکول کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور حکومت سے بھی فنڈز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ساتھ ہی اس اسکول میں متوازی انگلش میڈیم کے آغاز پر بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ سنجل پٹیل نے مزید بتایا کہ طلبہ کو دینی تعلیم کا نظم بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے تمامی افراد سے تعاون کی درخواست کی۔ دارالعلوم اردو ہائی اسکول قدیم درسگاہ ہے، تو تقریباً 60 سال سے یہاں پر قیام عمل میں لایا گیا۔ اس مدرسے سے کئی طلباء و طالبات فارغ التحصیل ہو کر
कई अहदों पर फाइज है, IAS, IPS ऐसे अहदों पर यहाँ के तलबा व तालिबात तालीम पाकर इस अहदों पर फाइज हुए। मजीद ये कि ये मदरसे में साबिका कमेटी ने इस मदरसे को बहरहाल काम किया, उसके बाद नई कमेटी की तश्कील अमल में आई गई जिसमें मीर इलियास अली सदर दारुल उलूम सोसाइटी कमेटी। रियासती हुकूमत MBC तबकात के लिए खसूसी ज़िम्मा बंदी करे। MBC तबकात BC ज़िम्मे का 60% हिस्सा हैं लेकिन BC मराहत व सहूलतों से इस्तेफादा से महरूम हैं, लिहाजा हुकूमत 38 ज़ातों के लिए खसूसी ज़िम्मा बंदी करे। MBC क़ायद दंडी वेंकट का मुतालबा। दंडी वेंकट क़ायद MBC की क़यादत में माहिगीर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने धरना मुनज़्ज़म किया और रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नज़र आतिश किया। इस मौके पर एहतजाजी अफराद ने अपने लिए हुकूक व इंसाफ तलब करते हुए नारे बुलंद किए। दंडी वेंकट ने बताया कि BC ज़िम्मे में शामिल करीब 40 तबकात जो कि BC ज़िम्मे का 60% हिस्सा हैं इंतहाई पसमानदगी और बदहाली का शिकार हो चुके हैं। ये तबकात BCA ज़िम्मे में शामिल हैं लेकिन बाज़ तबकात जो कि साहिब सरवत हैं BC ज़िम्मे में शामिल रहने की वजह से इन दीगर तबकात की हुकूक तलफी हो रही है, लिहाजा हुकूमत पसमानदा तर तबकात की निशानदेही करते हुए उनके लिए अलहदा कोटा मुख्तस करे। उन्होंने बताया कि आज BC ज़िम्मे में शामिल कई तबकात ऐसे हैं जो कि BC ज़िम्मे की मराहत से महरूम किए जा रहे हैं क्योंकि इन मराहत से फ़ायदा BC तबके के ही आसूदा हाल लोग कर रहे हैं उठा रहे हैं। दंडी वेंकट ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस बात का जायज़ा ले कि BC ज़िम्मे में शामिल कितनी ज़ातें ऐसी हैं जो कि आज भी माशी तौर पर पसमानदा तर हैं जिनका कोई माशी समाजी सियासी या तालीमी मौक़ नहीं है, ऐसे तबक़ात को एक नया ज़िम्मा तय करते हुए मोस्ट बैकवर्ड करार दिया जाए और अलहदा से कोटा मुख्तस कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि आज के धरने में माहिगीर तबके के अफराद हिस्सा ले रहे हैं जो आज भी रोज़े अव्वल की तरह ही कई मसाइल से दो चार हैं। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरियां मिलना मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि BC ज़िम्मे की नौकरियां BC तबके के ही सरमादार अफराद के बच्चे हासिल कर ले रहे हैं और इसी तरह दिगर मराज से भी वही लोग फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इन तबकात के मसाइल की यकसुई की जाए और BC ज़िम्मे में खसूसी कोटा मुख्तस करते हुए मोस्ट बैकवर्ड तबकात की मदद की जाए। दंडी वेंकट ने रियासती वज़ीर आला की जानिब से BC कमीशन के क़याम के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि जल्द ही नतायज हासिल किए जाएँ, बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का सामना करने हुकूमत को तैयार रहना होगा। BC అత్యంత వెనకబడ్డ కులాలైనటువంటి BCA కులాలు ఇవాళ ఈ రోజు కూడా దాదాపు 60% కులాలు BCAలో ఉన్నటువంటి కులాలు యాచక వృత్తి చేస్తూ ఉన్నారు, కనీసం ఇవాళ చదువులేనటువంటి కులాలు ఇవాళ ఇందులోకి ఇప్పటికే రాజకీయంగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ముదిరాజుల్ని తీసుకొచ్చి BCAలో చేర్చడం అనేది ఇది చాలా అన్యాయము, ఇది సామాజిక దురన్యాయం అని చెప్పేసి ఇవాళ MBC మరి చెప్తా ఉంది ప్రభుత్వానికి. తక్షణమే ఈ ఆలోచన ఉపసంహరించుకోవాలి, లేకపోతే జిల్లాలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి BCA కులాలని అదేవిధంగా BCAలకు అన్యాయం జరుగుతున్నటువంటి మరి అన్యాయాన్ని గుర్తించేటువంటి ప్రజాసామ్యకవాదులు ఇతర కులాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా BCAలకు జరుగుతున్న అన్యాయానికి సపోర్ట్ చేయాలి. ఈ అందరి సపోర్టుతోని KCR సర్కార్ని రాబోయే రోజులల్లా KCR సర్కార్ని కూల్చేసే మాట మాత్రం పక్కా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. नाजरीन अब देखेंगे रियासती कौमी व आलमी मंजरनामा। तेलंगाना JEC में फूट के आसार नुमाया नजर आ रहे हैं। कोंडाराम के तलब के इजलास का कई कायदीन ने बायकॉट किया जिससे साफ तौर पर उनकी नाराजगी का इजहार हो रहा है। तेलंगाना तहरीक के रूहे रवा समझे जाने वाली तंजीम तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी में अब फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। TJC कायदीन कमेटी कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम के रवैये से नाला नजर आ रहे हैं और इसी वजह से चंद कायदीन ने आज मुनद होने वाली TJC की स्टेयरिंग कमेटी का बैकआउट करते हुए इसमें शिरकत नहीं की। नाराज कायदीन का कहना है कि प्रोफेसर कोदंडाराम अपनी अना को तंजीम के मफादात पर तरजीह दे रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा मुकाम के बजाय हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए पहले से तयशुदा मुकाम पर ही बेरोज़गार रैली निकालने की कोशिश की और ये रैली नाकाम रही। कायदीन का कहना है कि कोदंडाराम ने रैली के दौरान गिरफ्तार होने वाले कायदीन की यादत करना भी गवारा नहीं किया।
हैदराबाद में स्वाइन फ्लू का खतरा मंडला रहा है। इतलात पर दिल्ली से NCDC टीम हैदराबाद पहुंची। गांधी अस्पताल में इस टीम ने तिब्बी तरीकेकार और सहूलतों का जायजा लिया। हैदराबाद में बढ़ते स्वाइन फ्लू के आसार के पेश नज़र मरकजी हुकूमत की NCDC टीम ने आज सिकंदराबाद में वाक़ गांधी अस्पताल का दौरा किया और स्वाइन फ्लू के मरीजों की दी जाने वाली तिब्बी इमदाद का मायना किया। तहम इस वफद ने इलाज के तरीक़ेकार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और इन मरीजों का इलाज करने वाले अमले को भी टीका लेने की हिदायत दी। इस तरह इस टीम ने स्वाइन फ्लू वबा की रोकथाम के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को चंद एहतियाती तदावीर से भी वाकिफ़ करवाया। इस टीम में मरकजी हुकूमत के 6 अहदेदार और तेलंगाना वजारत सेहत के 6 अहदेदार शामिल थे। किराए पर दिए गए कमरों में CC कैमरे नस्ब करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बीवी की शिकायत पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई। किराए पर दिए गए कमरों पर जासूसी कैमरे लगाने वाले शख्स को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खदीम शहर के ग्वालीपुरा में रहने वाले विजय आनंद नामी शख्स ने किराए पर दिए गए अपने 3 कमरों में खुफिया तौर पर CC कैमरे नस्ब किए। तहम मकान की एक खुश खातून ने कैमरों को देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मुलजिम को मकान की तलाशी लेते हुए 3 कैमरे, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर लिए। मुलजिम विजय आनंद के खिलाफ दफा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुंबई कॉरपोरेशन के नतायज, शिवसेना ने मुंबई पर कब्जा जमा लिया। BJP दूसरे मकाम पर, मगर मामला मौलक है। बगैर मफाहमत यहां पर काम चलने वाला नहीं। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शिवसेना नंबर एक पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन BJP ने भी शिवसेना को कड़ा मुकाबला दिया है। 227 रुकनी BMC में शिवसेना को 84 नशिस्तें हासिल हुई हैं, जबकि BJP 82 नशिस्तों के साथ 2 सीट पिछले चल रही है। इस तरह किसी भी जमात को यहां वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। BMC के अलावा 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नतायज भी मंजर आम पर आ रहे हैं। पूना, अमरावती, नागपुर और नासिक में BJP आगे चल रही है। इन इंतखाबात में कांग्रेस और NCP को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जबकि चंद मकामात पर MNS की सीटें भी हाथ से चली गई हैं। गुजरात असम्बली में जमहूरी तारीख का बदतरीन वाक़या। अराकीन असम्बली के दरमियान हाथापाई, 2 अराकीन असम्बली जख्मी और 2 गिरफ्तार किए गए। गुजरात असेंबली में आज हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन हंगामा आ रही देखी गई, जब BJP और कांग्रेस सरकार ने असेंबली के दरमियान लफ्जी झड़प और हाथापाई के नतीजे में 2 MLA जख्मी हो गए और BJP अरकान असेंबली पर हमले की कोशिश करने वाले के इल्ज़ाम में कांग्रेस के 2 अरकान असेंबली को वक्या सेशन के लिए बरतरफ कर दिया गया। स्पीकर के इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने बतौर एहतजाज असेंबली से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन कांग्रेस के अरकान ने रियासत में किसानों की खुदकशी पर आवाज़ उठाते हुए खुदकशी करने वाले किसानों की तादाद जाहिर करने का मुतालबा किया, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किसी भी किसान की खुदकशी की तरदीद करते हुए कांग्रेस के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया, जिस पर कांग्रेस सरकार के एहतजाज और BJP अरकान के जवाबी हंगामे से असेंबली में ये सूरत हाल पैदा हो गई। हिंदुस्तान के हवाले करने के तयखुन के बाद बरतानवी हुकाम पर विजय माल्या की बरहमी, कहा कि वो कभी भी बरतानिया को नहीं छोड़ेंगे। शराब के ताजिर व इश्तिहारी मुजरिम विजय माल्या को हिंदुस्तान के हवाले करने पर बरतानवी हुकाम की रजामंदी की खबर पर विजय माल्या ने रद्द अमल जाहिर किया है। विजय माल्या ने कहा कि हुकाम को उन्हें बरतानिया से निकालने का कोई अख्तियार नहीं और वो बरतानिया नहीं छोड़ेंगे। माल्या ने कहा कि वो हिंदुस्तान की 5 रियासतों में जारी असेंबली इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए 2 बड़ी सियासी जमातों ने उन्हें फुटबॉल बनाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बार फिर दहशतगर्द हमला, जिसमें 3 सिक्योरिटी जवानों के शहीद होने की इत्तला मिली है। जम्मू कश्मीर में इंतहा पसंदों ने फिर एक बार सिक्योरिटी दस्तों को निशाना बनाते हुए हमला किया। तफसीलात के मुताबिक शोपियान से 60 किलोमीटर दूर मलू चंद्रा गांव नामी इलाके में रात 2 बजे के वक्त दहशतगर्दों ने सर्च ऑपरेशन के बाद वापस लौट रही आर्मी और पुलिस की मुश्तरका टीम पर घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में 6 सिक्योरिटी अहलकार बशमूल 2 आला अहदेदार शदीद जख्मी हो गए। बाद अज़ा जख्मियों में से 3 ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इस हमले में एक खातून भी हलाक हो गई है। ये खातून अपने घर में मौजूद थी जब फायरिंग की एक गोली इसे लग गई। इस हमले के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। नई अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसी का अगले हफ्ते ऐलान किया जाएगा। साबिक पॉलिसी में मामूली सी तरमीम के बाद इसको नाफिज कर दिया जा रहा है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मखसूस इलाकों से अमरीका आने वालों पर नई सफरी पाबंदियों का आइंदा हफ्ते ऐलान किया जाएगा। सदर ट्रंप इससे कबल कह चुके थे कि इन पाबंदियों का ऐलान इसी हफ्ते कर दिया जाएगा, लेकिन व्हाइट हाउस हुकाम का अब कहना है कि इस ऐलान को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। याद रहे कि सदर ट्रंप ने इख्तियार संभालने के बाद एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसके तहत 7 मुसलमान अक्सरियती ममालिक से पना गजियों की अमरीका आमद पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस हुक्मनामे के बाद मुल्क भर में मुजाहरे किए गए और एयरपोर्ट्स पर काफ़ी अफरा तफरी देखी गई। बाद में अदालतों ने इस सफरी पाबंदी को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था।
पाकिस्तान में एक और बम धमाका, 8 अफराद हलाक और 21 जख्मी हुए। ये धमाका पाश इलाके डिफेंस में एक जेर तामीर इमारत में पेश आया। पाकिस्तान के शहर लाहौर में आज किए गए एक बम धमाके में 8 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए हैं। ये धमाका शहर के पाश इलाके डिफेंस कॉलोनी को एक जेर तामीर इमारत में अंजाम दिया गया। धमाके की वजह से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां मुतादिद जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई गई है। वाजह है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शहरियों को निशाना बनाते हुए मुतादिद बम धमाके किए गए, जिनमें अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इन धमाकों के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। तुर्की की खातून फौजियों को अब हिजाब पहनने की इजाज़त हासिल हुई, लेकिन ड्यूटी के औकात में वो अपना चेहरा नहीं ढक सकेंगी। तुर्की की फौज ने अपने ज़वाब्ते में तब्दीली करते हुए ड्यूटी पर तैनात ख्वातीन अहदेदारों को हिजाब पहनने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले यहाँ के इदारों में हिजाब पहनने की ममानियत थी, लेकिन नए ज़वाब्ते के मुताबिक अब फौज में मुलाजमत करने वाली ख्वातीन काम के दौरान भी हिजाब पहनने के लिए आज़ाद होंगी, लेकिन हिजाब पहनने के दौरान चेहरा ढकने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं हिजाब का रंग वर्दी जैसा होगा, जिसे टोपी के नीचे पहनना होगा। ज़राए अब्लाग के मुताबिक 1923 में जमहूरिया तुर्की के क़याम के बाद पहला मौका है कि जब तुर्की की फ़ौज में शामिल ख्वातीन अहलकारों को हिजाब की इजाज़त दी गई है। इस फैसले का इतलाक़ अस्करी इदारों के तालबात पर भी होगा। रोहिंग्या मुसलमानों की हलाकतों की तहकीकात का आगाज। मुनज़्ज़म नस्ल कुशी के बाद हज़ारों रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में पनाह हासिल की। म्यांमार के सिक्योरिटी फोर्सेज ने दौरान हिरासत 8 रोहिंग्या मुसलमान की हलाकत की वजूहत जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। इन अफराद को रोहिंग्या सूबे में फौजी क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इंसानी हकूक के मुताबिक इस रियासती क्रैकडाउन के बाद म्यांमार में सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान हलाक, जबकि हज़ारों मुल्क से फरार हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक कम अज़ कम 73,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश जाने पर मजबूर हुए हैं। देखते हैं आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। गर्ल जूनियर कॉलेज मालापल्ली का तालीमी साल 2017-18 से आगाज अमल में लाया जाए और पार्लिमानी हलके के तालीमी मसाइल की यकसुई की जाए। एमपी कविता की वजीर तालीम से पुरजोर नुमाइंदगी। रियासती हुकूमत की जानिब से मजीद नए अखामती स्कूलों का अखिलियतों के लिए क्याम। दाखिलों के लिए महकुमा अखिलियती बहबूद की टीआरएस मुस्लिम कायदीन के साथ मुहिम। दाखिले करवाने वालदैन को तारिक अंसारी का मशवरा। तेलंगाना जेएसी में फूट के आसार नुमाया। कोदंडा राम पर मनमानी करने का इल्जाम। कोदंडा राम के तलब करदा इजलास का कई कायदीन ने बायकॉट किया और अपनी बरहमी जाहिर की। गुजरात असेंबली में बीजेपी और कांग्रेस के अराकीन के दरमियान हाथापाई। जमहूरी तारीख का बदतरीन वाकया। दो अराकीन असेंबली जख्मी, जबकि दो अराकीन असेंबली को गिरफ्तार किया गया। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।